तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश शानियत पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीबी शेले के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही खूबसूरत सी सोनेट, जिसमें पीबी शेले ने किंग जॉर्ज के ऊपर डायरेक्टली अटैक किया है अपने सोनेट से, अपनी पोएम से। और इस पोएम का नाम है इंग्लैंड इन 1819। तो दोस्तों, इस पोएम को शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस पोएम के बारे में कुछ खास बातें। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो दोस्तों, ये जो पोएम है जिसका नाम है इंग्लैंड इन 1819, ये लिखा गया था 1819 में ही, लेकिन इसको पब्लिश करा गया था 1839 में। इसको पब्लिश कराया था इनकी वाइफ मैरी ने, जो कि इनकी सेकंड वाइफ थी। इनके फर्स्ट वाइफ का नाम हैरियट वेस्टब्रुक था। ये मैंने आपको इनकी बायोग्राफी जब बताई थी उसमें बताया था। और ये जो पोएम है या फिर जो सोनेट है, इसको एक पॉलिटिकल सोनेट कहते हैं, क्योंकि ये जिस तरह से द मास्क ऑफ एनार्की एक इनकी सोनेट है या फिर एक इनकी पोएम है, माफ़ कीजिएगा, उसकी तरह ही सिमिलर आइडिया ये भी प्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल व्यूज़ देता है। क्योंकि जो पीबी शेले हैं वो बहुत ही पॉलिटिकल माइंड के थे, वो थोड़े से रेबेलियन माइंड के भी थे, जो गवर्नमेंट थोड़ा सा रेबेल रिवोल्ट टाइप का रखते थे अपने मन में। और ये जो पोएम है, ये जो सोनेट है, ये डायरेक्टली अटैक है उस टाइम के किंग जॉर्ज थर्ड के ऊपर। क्योंकि उस समय जो किंग जॉर्ज थर्ड थे, वो बता रहे हैं, पीबी शेले इस अपने सोनेट में बता रहे हैं कि उनकी जो गवर्नमेंट थी वो एक लीच लाइक गवर्नमेंट थी। जिस तरह से लीच जो होता है वो किसी के शरीर से, किसी की बॉडी से चिपक के खून चूसता रहता है, उसी तरह जो किंग जॉर्ज थर्ड का उस समय का गवर्नमेंट था, वो भी जनता के खून चूस रही होती है, उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रही होती है, कोई भी ध्यान नहीं देती है। तो ये था एक बेसिक आउटलाइन, एक आउट व्यू इस पूरे सोनेट का, और अबाउट यानी कि इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अब चलिए लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन जानते हैं इस पोएम का। तो दोस्तों, पीबी शेले इस पोएम को शुरुआत करते हुए कहते हैं सीधे किंग जॉर्ज थर्ड पे, पहले ही लाइन में धावा बोलते हैं। वो लिखते हैं, एन ओल्ड मैड ब्लाइंड डिस्पाइज्ड एंड डाइंग किंग। एक ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी ब्लाइंड, जो कि अंधा है, डिस्पाइज्ड यानी कि तुच्छ है, एंड डाइंग किंग, और वो मर रहा है। प्रिंसेस, और जो उसके प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस नहीं, याद रखिएगा, उसकी प्रिंसेस मतलब होता है राजकुमारी, प्रिंस मतलब होता है राजकुमार, और प्रिंसेस मतलब राजकुमार, जो बहुत सारे उनके राजकुमार हैं, वो सभी क्या हैं, द ड्रेग्स ऑफ देयर डल रेस। ड्रग्स क्या होता है? ड्रग्स मतलब होता है किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का सबसे बेकार हिस्सा, लगभग जो सबसे ही गंदा हिस्सा हो किसी भी चीज़ का, उसको हम बोलते हैं ड्रग्स, ठीक है। तो जो प्रिंसेस हैं इनके, जो इनके राजकुमार लोग हैं, वो क्या हैं, द ड्रग्स ऑफ देयर डल रेस, इनकी जो प्रजाति है, इनका जो पूरा ख़ानदान है, उसके सबसे गंदे हिस्से हैं। हु फ्लो थ्रू पब्लिक स्कॉर्न मड फ्रॉम अ मडी स्प्रिंग, जो कि एक मडी स्प्रिंग यानी कि जो मड होते हैं, कीचड़ होते हैं, जहाँ ढेर सारे कीचड़ होते हैं, है ना, उसी के एक कीचड़ की तरह हैं, और वो पब्लिक के गुस्सों से बहुत ज़्यादा फ्लो थ्रू मतलब गुजरते हैं, इनको गुजरना पड़ता है पब्लिक के गुस्सों से, ठीक है। स्कॉर्न मतलब गुस्सा, मड मतलब कीचड़, मडी स्प्रिंग मतलब जहाँ बहुत सारे कीचड़ होते हैं। रूलर्स हू नीदर सी नॉर फील नॉर नो, वो रूलर्स या ऐसे रूलर्स जो ना तो देख रहे हैं, ना फील कर रहे हैं, और ना ही जान रहे हैं, बट लीच लाइक टू देयर फेंटिंग कंट्री क्लिंग। लीच लाइक यानी कि लीच की तरह, फेंटिंग, फेंट मतलब बेहोश होना, फेंटिंग कंट्री यानी बेहोश होता हुआ देश, क्लिंज मतलब टाइटली, ऐसे रूलर्स जो अपने देश के बारे में ना सोच रहे हैं जरा भी, ना उसको ध्यान दे रहे हैं उसके ऊपर, ना उसको देख रहे हैं, ना उसको जान रहे हैं, बल्कि उसके जगह पर वो क्या कर रहे हैं, एक लीच की तरह अपने बेहोश होते हुए कंट्री से बहुत ही कस के चिपके हुए हैं। टिल दे ड्रॉप ब्लाइंड इन ब्लड विदाउट अ ब्लो, जब तक वो गिर ना जाए, यानी कि जब एक जो लीच होता है उसकी एक आदत होती है, वो चिपका रहता है आपके शरीर से, किसी भी इंसान के शरीर से,
पॉन्ड्स में, तालाबों में जो मिल जाते हैं, चपक जाते हैं किसी जानवर के, किसी इंसान के शरीर से, और वो तब तक नहीं गिरते हैं जब उनको उनके ऊपर नमक डाला जाए, या फिर वो अपने मन से जब उनका पेट खून से फट जाए, इतना ज़्यादा खून चूस लेते हैं। तो ये वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो राजा है वो इस पूरे प्रजा का, इस पूरे देश का खून इस तरह से चूसने में लगा हुआ है कि जब तक कि उसका खून से पेट भर न जाए और वो खुद न गिर जाए। ठीक है। A people starved and stabbed in the untilled field. Untilled field क्या होता है? Untilled मतलब ऐसा field जहाँ पर कोई भी फसल उगाए लायक वो अभी ज़मीन ना हो। तो वहाँ पर लोग कैसे हो गए हैं? लोगों के लिए देश ऐसा हो गया है कि अब वो भूख से तड़प रहे हैं। Starved मतलब भूख से तड़पना, और एक दूसरे का हत्या कर रहे हैं क्योंकि अब उनको इस देश में कुछ भी नहीं मिल रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो इनके लिए एक अनटिल्ड फील्ड हो गया है। एन आर्मी विच लिबर्टी साइड एंड प्री, प्री मतलब होता है दुश्मन, लिबर्टी मतलब होता है स्वतंत्रता, और साइड मतलब खा जाने वाला, जैसे सुइसाइड होता है ना, खुद को ख़त्म करना, पेस्टिसाइड होता है कीड़ों को ख़त्म करना, उसी तरह लिबर्टी साइड यानी कि आज़ादी को ख़त्म करना। तो जो आर्मी है वो अब इस तरह से हो गई है कि एक तो इनकी दुश्मन हो गई है और लोगों की आज़ादी को ख़त्म कर रही है। और ये किस तरह हो गया है? ये एक मेक्स एज अ टू एज्ड सॉर्ड टू ऑल हु वील्ड। अब ये एक टू एज्ड सॉर्ड हो गया है, दो धारी तलवार हो गई है जिसमें दो एज होते हैं उस तलवार के, तो उस तलवार के, और वो ऐसे लोगों के लिए जो वील्ड हैं, विल यानी कि जो अपने वेपन्स के साथ हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये दोधारी तलवार हो गई है। क्यों? क्योंकि एक तो वो प्री हो गए हैं और दूसरा वो लिबर्टी साइड हो गए हैं। आगे लिखते हैं पीबी शले, गोल्डन एंड सैंग्विन लॉज विच टेम्प्ट एंड स्ले रिलीजन क्राइस्टलेस गॉडलेस अ बुक सील्ड। अब गोल्डन एंड सैंग्विन, सैंग्विन मतलब क्या होता है? सैंग्विन मतलब होता है होपफुली, आशावादी। लॉज मतलब नियम। स्ले, स्ले मतलब होता है हत्या कर देना। टेम्प्ट मतलब होता है बहकाना। और वो जो भी लोग हैं, जो भी वील्ड हैं, अपने हथियार लेकर के तैयार हैं, ये उनके लिए एक इस तरह से हो गया है कि अब उनके पास कोई भी आशा नहीं रह गया है और वो अपने हथियार लेकर के तैयार हैं किसी की भी हत्या करने के लिए, क्योंकि वो बहकावे में आ चुके हैं। वो कैसे बहकावे में आ चुके हैं? उसका भी रीजन है। रीजन क्या है? क्योंकि अब रिलीजन क्राइस्टलेस गॉडलेस हो गया है। रिलीजन जो है यानी कि इस तरह की सिचुएशन आ गई है उनके कंट्री में कि अब यहाँ के जो रिलीजन है, अब उसमें रिलीजन तो है लेकिन उसमें कोई भगवान को मानता नहीं है, वो गॉडलेस हो गए हैं। अब वो सील्ड, और जो किताबें हैं अब वो बस सील्ड ही रह रही हैं, कोई किताबें नहीं पढ़ना चाह रहा है, कोई भगवान को नहीं मानना चाह रहा है। अ सैनेट, सैनेट मतलब होता है पार्लियामेंट, जहाँ पर नियम बनाए जाते हैं। अ सैनेट टाइम्स वर्स स्टैट्यूट अनरिपील्ड, और जो पार्लियामेंट है फिर जो कानून बनाने वाली जगह है वो अब वर्स्ट कानून बना रही है, सबसे भद्दी सबसे गंदे कानून बना रही है। अब ऐसा लगता है वो सब क्या है, वो एक ग्रेव है, आर ग्रेव्स फ्रॉम विच अ ग्लोरियस फैंटम मे बर्स्ट टू इल्यूमाइन अवर टेम्प्स टू अ स्टे। अब ऐसा लगता है कि ये जो भी जो रिलीजन है, जो बुक्स हैं, जो सेनेट है, पार्लियामेंट है, इन सभी से ये सभी एक ग्रेव हैं, और इसी ग्रेव में से एक समय एक ग्लोरियस फैंटम, एक कोई बहुत ही ग्लोरीफुल भूत निकलेगा इसी कब्र में से, और वो क्या करेगा, इस टेम्पेस्टुअस डे, टेम्पेस्टुअस यानी कि तूफान भरे दिन, तूफान भरे दिन यानी कि मुश्किल वाले दिन, इसको क्या करेगा, ख़त्म करेगा। ठीक है। आशा करता हूँ कि आज की ये पोएम, ये सोनेट आपको बहुत ही अच्छे समझ में आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।